बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब हरिये से होंगे। जी दोस्तों, आज हम आए हैं ओल्डम शॉपिंग के लिए। तो आज आपको ओल्डम की सैर करवाते हैं और आपको दिखाएंगे पाकिस्तानी मार्केट, जहाँ से आपको पाकिस्तानी लेडीज़ सूट और बच्चों वगैरह के सूट जो है ना सस्ती कीमत में मिलते हैं। तो यानी कि जो पिछली दफ़ा वीडियो मैंने बनाई थी, जो पैसे बचे हैं वो आज लगाएँगे। तो आए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, इस वक्त हम पहुँच गए हैं ओल्डम मार्केट के बिल्कुल पास। इसे टॉमी फील्ड मार्केट भी बोलते हैं। ये सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये ओल्डम NHS हॉस्पिटल है और वो सामने जो है वो शॉपिंग सेंटर है, और इस साइड पे जो है ना वो ओपन मार्केट है, जो सस्ता बाज़ार भी आप बोल सकते हो, पाकिस्तानी स्टाइल मार्केट भी बोल सकते हो। तो अभी चलते हैं इसके अंदर। आज सैटरडे है, सैटरडे होने के बावजूद भी बहुत बिजी है, आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर। तो आए दोस्तों, चलते हैं मार्केट के अंदर। ये देखें, पार्किंग फुल है, 3 घंटे की यहाँ पे फ्री पार्किंग मिलती है जी। ये देखें, बहुत ज़्यादा बिजी है आज। जी दोस्तों, इस वक्त हम पहुँच गए हैं मार्केट के बिल्कुल अंदर। काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो मैं जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आए चलते हैं मार्केट के अंदर। ये हम आ गए जी पहली शॉप पे। यहाँ से हमने ये 2 सूट बाय किए हैं लेडीज़ के, और ये देखे सामने भी लगे हुए हैं सूट। अभी डील चल रही है कि कुछ जो है हमें डिस्काउंट मिल जाए, देखते हैं मिलती है कि नहीं। ये पैसे देने लगे जी, पहली बोनी कह लो या शुरुआत कह लो, तो यह देने लगे जी। यह शापर आया जी। ये देखें, बच्चों के खिलौने की शॉप भी मौजूद है। यहाँ से आप बिल्कुल सस्ते दामों में खिलौने खरीद सकते हैं। दिखाता है टॉमी फील्ड मार्केट का हाल, ये मेरे पीछे मौजूद है, ये देखें। तो हो सके तो हम इसके अंदर भी जाएंगे और कुछ चीज़ें बाय करेंगे। अब उन्हें तरून लगी जी मेरी बुढ़ी पैसे आवाज़ दे। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टॉमी फील्ड मार्केट के अंदर। ये इसके अंदरूनी हिस्से का मंजर है जी। दोस्तों, जो पैसे मेरे पास मौजूद थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो अभी मैं बैंक में जाने लगा हूँ। वहाँ से थोड़ी कैश और निकलवाऊँगा और फिर जाऊँगा वापस मार्केट की तरफ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओल्डम की मेन मार्केट, यानी कि टाउन सेंटर जिसे आप बोल सकते हैं। तो आए दोस्तों, चलते हैं बैंक की तरफ और टाउन सेंटर की तरफ। आपको बैंक भी दिखाता हूँ और आपको टाउन भी दिखाता हूँ। ये फ्लावर शॉप है इधर। ये सामने सुपरमार्केट आइसलैंड, वो सामने हैलिफैक्स बैंक है जहाँ से मैं पैसे निकलवाऊँगा। ये साउंड लगा हुआ है इधर। बैंक से पैसे निकलवाने के बाद मैं जा रहा हूँ टाउन सेंटर की तरफ। ये जो आपको सामने दुकानें नज़र आ रही हैं, ये टाउन सेंटर का हिस्सा है। आज क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड की वजह से इन्होंने बच्चों के खेलने के लिए मुख्तलिफ किस्म के झूले भी लगाए हुए हैं। आप देखें कितना ज़्यादा रश है इधर, और बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं। दोबारा से इस वक्त मैं वापस आ गया हूँ ओल्डम मार्केट में पैसे निकलवाने के बाद। यहाँ से दोबारा से कुछ चीज़ें बाय करते हैं जी। इस वक्त हम पहुंच जाए पा नेम की दुकान पे। ये देखें, यहाँ पे आपको हर किस्म की वैरायटी मिल सकती है, सस्ती महंगी लेडीज सूट में जो भी आपको पसंद है सस्ते दामों ले सकते हैं। बस ब्राय नाम सस्ते हैं जी। इस वक्त हम ओल्डम टाउन सेंटर और ओल्डम मार्केट के बिल्कुल दरमियान में से गुजर रहे हैं, और हम बूस्ट की तरफ जाएंगे। बूस्ट की तरफ जाने के बाद हम जाएंगे मैनचेस्टर ओल्डम शॉपिंग सेंटर के अंदर। ओए लोको, मेरा फेवरेट डोनर कबाब भी आ गया जी। इधर वेखो, तुम फेवरेट अपना डोनर कबाब दिखाना।
ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਲੱਛੇ ਆ, ਲੱਛੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਜੀ ਅੱਜ 'ਚ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। जी दोस्तों, इस वक्त हम आ गए हैं ओल्डम शॉपिंग सेंटर के अंदर। ये देखिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे स्पेंड किए हैं, तो अभी हम दूसरी मार्केट की तरफ जाने लगे हैं जहाँ से हम मज़ीद शॉपिंग करेंगे। जेहे पैसे बच गए ने ना, वो भी ला के जाने ने, तो मैं कढ़वाए ने और तो ख़त्म करके फिर घर जाने ने, साढ़े को बड़ा टाइम है। आ देखो, अभी आज सैटरडे है, सैटरडे के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ये देखिए, इन्होंने क्रिसमस की लाइटें वगैरह भी लगा दी हैं, काफ़ी सजावट की है। तो अभी हम जाने लगे हैं कुछ और पाकिस्तानी दुकानों की तरफ जहां से हम मज़ीद सूट बाय करेंगे। तो आए चलते हैं। ये साथ में क्लार्क की दुकान है जहां पे मेरी मामी शॉपिंग करती है सदियों में एक दफ़ा। तो ये आपको जो पीछे बस स्टेशन नज़र आ रहा है, ये ओल्डम बस स्टेशन है। अगर तो आपको गड्डी को नहीं थे, तुसी बसों के जरिए भी इतने आ सकते हो। ये थोड़ा सा छोटा सा पार्क बनाया हुआ है इन्होंने, ये देखें बैठने की जगह है। अगर आप थक गए हैं शॉपिंग करते तो आप इधर आके रेस्ट कर सकते हैं। अभी देखें बारिश भी शुरू हो गई है और साथ में हवा भी चल पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है भाई जी। मैनचेस्टर का वैदर रहता ही है, घरों धुप होती है, निकलो तो नाल नाल ही जी भाई जी बारिश शुरू हो जाती तो हवा शुरू हो जाती। एनू तो मैनचेस्टर का वैदर आखते जी। ये शॉपिंग सेंटर की कार पार्क है जी। दोस्तों, इस वक्त हम आ गए हैं दूसरी मार्केट में। ये छोटी सी मार्केट है, इधर तीन चार ही दुकानें हैं कपड़े की, लेकिन ये काफ़ी मशहूर हैं और ब्रांडेड कपड़े यहाँ से मिलते हैं। तो अभी हम उसी मार्केट को घूमेंगे फिरेंगे, यहाँ से घर जाएंगे। तो आए चलते हैं इस मार्केट की तरफ। अगर आपने गाड़ी पार्क करनी है यहाँ पर, आपको पे करना पड़ेगा। जी हम आ गए अमान हाउस ऑफ फैशन के बाहर, इसके अंदर जाएंगे। आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकते प्राइवेसी की वजह से। अब पंजाबी भरावो, आ वेखो इतों ढोलकियाँ भी लभदियाँ जे, तो सारा कुछ लभदा जे। ढोल शोल दे जशन वगैरह करना होए तो मज़े करने हो तो ढोलकियाँ शोलकियाँ इतों लै सकते। मेगा पाउंड शॉप है सामने, इतों तुम सस्ते दाम जड़ियाँ इन्होंने चीज़ा घर दियाँ भी लै सकते हो जी। जी दोस्तों, देखिए मौसम कितना ख़राब हो गया, बहुत तेज़ बारिश भी शुरू हो गई और साथ में हवा भी। ये देखें, हम अमान से हमने शॉपिंग की है, बाहर निकल आए हैं। तो ऐ वेखो, ऐ जे भाई जी दो वीकों की कमाई लग गई जी, लुट घते जी, अज दिन दिहाड़े लुटे गए जे। तो इंशाल्लाह ताला ऐ भी पार्ट ऑफ लाइफ होंगे, अपनी वाइफ में खुश रखा करो, उही तुहाडी पार्टनर उहदी भी हैल्प करया करो, उहनू खुश रखा करो, घर दे नू भी खुश रखा करो। तो असी इंशाल्लाह अमेरिका कैनेडा भी जाना, तो वो भी समझो थोड़ी की शॉपिंग अज ही स्टार्ट होई है, बड़ा इनाम हो अगली बार फिर आना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। है मुझे पता है ये छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है वेदर की वजह से। तो मेरी वीडियोज़ को लाजमी लाइक शेयर और कमेंट्स किया करें, मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।